अब खबर बिहार के पूर्णिया से है, जहां चुनावी जंग एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस होने से पहले ही कांग्रेस बनाम पप्पू यादव हो गई है। पप्पू यादव के पूर्णिया से नामांकन को लेकर कांग्रेस का बयान सामने आया है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि पप्पू यादव पार्टी से उम्मीदवार नहीं है, वो कांग्रेस से अलग होकर निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ सकते, उन्हें पूर्णिया से नॉमिनेशन वापस लेना चाहिए। दरअसल पप्पू यादव ने कल ही पूर्णिया से नामांकन फाइल किया है और एक जनसभा के दौरान पप्पू भावुक भी हो गए। इस दौरान उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि वो पूर्णिया को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस ने एक तरह से पप्पू यादव को अल्टीमेटम दे दिया है कि उन्हें नॉमिनेशन वापस लेना ही होगा। तो पप्पू यादव, जिन्होंने पूर्णिया से उम्मीदवारी भर दी है, पर्चा भर दिया है, और उन्होंने साफ कहा, आंखों से आंसू उनके छलके, और उन्होंने कहा कि उनकी राजनीतिक साजिश के तहत हत्या यानी मर्डर की जा रही है, उनके राजनीतिक करियर को खत्म किया जा रहा है, लेकिन वो पूर्णिया की सीट नहीं छोड़ेंगे, किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। लगातार पप्पू यादव को देखा गया कि जब उन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया था कांग्रेस के साथ, तब उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी और उनसे गुजारिश की थी कि पूर्णिया सीट उन्हें दी जाए, पूर्णिया से उनको उम्मीदवार बनाया जाए और आरजेडी भी उन्हें सपोर्ट करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके जगह पे आरजेडी के कोटे में चले गए पूर्णिया सीट, जिसके बाद वहां से बीमा भारती को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया के जरिए भी कोशिश की कि उनको उम्मीदवार बनाया जाए, आखिर जब वो हार गए तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। अब असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है कांग्रेस के लिए, जो अपने इस कैंडिडेट को वहां से हटा नहीं पा रही और सामने आरजेडी का कैंडिडेट है। किसी को भी निर्दलीय और भी सीनियर लीडर्स, औरंगाबाद में निखिल बाबू को उनका नहीं हो पाया वो टिकट, लेकिन किसी को भी आलाकमान और कांग्रेस नेतृत्व इजाज़त नहीं देता है कि वो निर्दलीय नामांकन करें, नहीं तो ये कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अभी तो सलाह होगा कि वो विड्रावल का डेट बचा हुआ है वापस ले। महागठबंधन और कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं, कांग्रेस ने टिकट कहाँ मिला है? किसी को स्वीकृति नहीं है। महागठबंधन ने 40 सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी से 9, 5 वाम दलों से और 26 राष्ट्रीय जनता दल। इसके अलावा कोई भी अगर करता है कि कहीं पे भी, वो महागठबंधन का उम्मीदवार नहीं होगा अधिकृत रूप से और उसको कोई सीरियसली नहीं लेगा। अब बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने पप्पू यादव को लेकर तो बयान दे दिया कि उनको वापस लेना होगा और महज 3 दिन बचे, आज 5 तारीख है और 3 दिन बाद वापस लेने की यानी पर्ची वापस लेने की आखिरी तारीख है। क्या उससे पहले पप्पू यादव को मना पाएंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और पूर्णिया में भावुक होकर पप्पू यादव ने संदेश भी दिया है। क्या संदेश उन्होंने दिया जनता को और साथ ही साथ अपने पार्टी को, आपको सुनाते हैं। पप्पू यादव का बयान आपने सुना, लेकिन पप्पू यादव ने लालू यादव से भी अपील की है और उन्होंने कहा है कि पूर्णिया को लेकर वो फैसला लें लालू यादव, इंडी गठबंधन को कमजोर ना करें लालू। ये पप्पू यादव का कहना है। तो पप्पू यादव ये अपील कर रहे हैं कि उनकी उम्मीदवारी को सपोर्ट करे आरजेडी। आप कभी थे नहीं, कांग्रेस था यहाँ, या तो हमको लोगों ने मदद किया, कभी भी यहाँ जात पात नहीं हुई, कभी भी सोशल कमीशन के चलते जात पात तो वो व्यक्ति के आधार पर हुआ, समाज के आधार पर कभी नहीं हुआ। पूर्णिया एक जगह है जहाँ मेरे होने के बाद सभी जात के लोग कमोबेश खबी होते हैं। इस बार तो भैया मुझको तो, मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि बस ये ब्लेसिंग देना मुझको, कुछ मत देना कि सब परिवार मेरा रहे और मैं सब परिवार के दिल में रहूं। मैं इतना जानता हूं लालू जी से
कि अभी भी इंडिया गठबंधन को कमजोर हम लोग मिलकर ना करें। अभी भी वक्त है एक मैसेज दें पूरे बिहार को कि लालू पप्पू एक है, अलग नहीं है। तो इसका लोगों में गलत संदेश जा रहा है, लोग आहत हो रहे हैं।